नमस्कार दोस्तों, फाइट कोरोना फ्रूट सीरीज का आज 264th एपिसोड है। दोस्तों, सावन का खूबसूरत महीना है और तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो इसी के ऊपर पेश होगा। गाने के बोल हैं, रिमझिम के गीत सावन गाए। अनजाना फिल्म का ये गीत है, ओरिजिनल स्केल इसका डी स्केल है, तो मैं आपको इसको डी स्केल के फ्लूट पर ही इसका ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। पंचम से ये शुरू होता है और इसमें जो स्वर है तकरीबन ये समझ लीजिए कि वो राग शिवरंजनी के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों, इसका ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। डी मिडिल पूनम फ्लूट, इस पर मैं आपको ट्यूटोरियल दूंगा। पंचम से शुरू होता है, ठीक है, और राग शिवरंजनी के इसमें स्वर लगते हैं। सारे ग पादा सा ग कोमल, एक आधी जगह पर इसमें ध कोमल है, शुरू में ही है मुखड़ा में, बट वो ज़्यादा मुश्किल जगह पर नहीं है, आप आराम से इसको बजा पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट लाइन। रिम झिम के गीत सावन गाए। अब देखिए पहले पूरी लाइन, रिम झिम के प प ध प ध, प कम टाइम के लिए है इसलिए ब्रैकेट में होगा। रिम झिम के ध प ध कर रहा हूं मैं, ठीक है, प प ध प ध गीत ध सा सा ध सा इज हाई ऑक्टेव का सा आ गया अभी, ठीक है। रिम झिम के गीत गीत मतलब ध सा सा यही पर है गीत, और ध में जैसे लैंड होता है अगला बोल शुरू हो जाता है। गीत सावन ध ध प सा सा ध ध प सावन ध प आए गाए ध कोमल प हाय, फिर ध कोमल गा गाए ध कोमल प फिर हाय में ध कोमल गा, ठीक है। ठीक है, पूरी लाइन दोबारा से देखिए। नेक्स्ट लाइन, भीगी भीगी रातों में ग कोमल का बहुत यूज हुआ है यहाँ पे, भीगी फर्स्ट टाइम जो भीगी आ रहा है ग कोमल रे रे सा ग रे रे सा ग कोमल, ठीक है। सेकंड टाइम है भीगी सा रे 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 ग प सॉरी, रातों में गरे रे रे सा सा गरे रे सा सा। कंप्लीट लाइन दोबारा देखिए, सेम यही चीज सेकंड टाइम है, वो रिपीट होगा, उसमें बोल होंगे। होठों पे बात दिल की आए आए भीगी भीगी रातों में। इसके बाद एक छोटा सा अलाप का पीस है, वो है प ध भी कर सकते हैं और प ध प ध भी कर सकते हैं, ठीक है, प ध या प ध प ध पगरे सग इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, प ग रे सा ग, ठीक है। दोस्तों, इसके अंतरा में जो है तकरीबन यही पैटर्न लगता है
और अभी तक मुखड़ा में हम हाई ऑक्टेव के सा तक जा रहे थे, अब हम रे तक जाएंगे, बस थोड़ा सा आगे चला जाता है सॉन्ग। तेरा मेरा, ठीक है, प प धसा रे सदा प, ठीक है, पूछे नाता, पहले प प ध सा रे सा था, अभी ध ध प ध सा रे सा हो जाएगा। पूछे पूछे नाता, ध ध प ध सा रे सा ध प, ठीक, बड़ी वो एक बड़ी वो ये घटा, ठीक है, प प ध सा रे सदा प, घन घोर है, ठीक है, ध ध प ध सा रे सदा प, घना घन घोर है, वही पैटर्न सेम, प ध सा रे सा इन्हीं का यूज है। ओके, फिर यही चीज अंतरा के सेकंड थर्ड फोर्थ में रिपीट होता है। फिर ये अंतरा के एंड में फिर मुखड़े की फर्स्ट लाइन वाले बोल वही स्वर इसमें लगते हैं कि तेरा ना होठों पे मेरे, तेरे सपने मेरी आंखों में, दोस्तों। इसके साथ ही ये छोटा सा ट्यूटोरियल समाप्त होता है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रो।